जनपद में अगले 3 दिनों तक ठंड और घना कोहरा रहेगा, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक इस तरह का मौसम बना रहेगा, जिसमें घना कोहरा भी कुछ स्थानों पर रहेगा और शीतलहर के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों को वाहन चला रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने वाहन का हेडलाइट जला करके चलें, जिससे कोहरे में अगला कोई व्यक्ति वाहन चालक आ रहा हो तो उसको लाइट दिखे, जिससे कोई दुर्घटना ना हो, तथा बहुत आवश्यकता पर ही घर से मास्क लगाकर बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि ऊपर के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, लेकिन यहां पर अभी कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि इस समय जो बारिश हो रही है वह अप्रत्याशित है, जो कभी भी हो जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए ऐसा है, अभी जो हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी आगामी 2-3 दिनों तक इस प्रकार के मौसम बने रहने की संभावना रही बताई गई है, जिसमें थोड़ा घना कोहरा भी कुछ स्थानों पर रहेगा, कुछ स्थलों पर थोड़ी शीतलहर की भी यानी थोड़ी ठंडी हवाएँ भी चलेंगी। तो अभी यह मौसम अगले 2-3 दिनों तक इस तरह से बने रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। सर, कोई अपील लोगों से? देखिए इस समय घना कोहरा है, इसलिए अपनी जो भी वाहन वो चला रहे हैं उसकी हेडलाइट को ऑन रख करके उस वाहन का प्रयोग करें, ताकि सामने वाले जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उसको देख सकें, और मतलब यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। और इस समय चूँकि कोविड काल चल रहा है तो अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और अपने आप को सुरक्षित रखें और ठंड में अपने आप को बचाएं। सब बारिश के भी आसार कुछ जताए जा रहे हैं? देखिए अभी ये चीज जो है वो ऊपर की साइड में है, यानी अभी हमारे उत्तर के क्षेत्रों में इस तरह की जो सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तो नीचे के क्षेत्रों को लेकर के भी मौसम विभाग द्वारा कोई अभी आज जो अलर्ट प्राप्त हुई है उसमें कहीं ये शो नहीं किया गया है, क्योंकि इस समय बारिश जो हो रही है वो टोटल अप्रत्याशित है, जैसे भी कुछ दिन पहले हुई थी, तो इस तरह का अभी अनुमान दिया जा पाना संभव नहीं है।